केंद्र सरकार ने लोहे और स्टील के कच्चे माल और बिचौलियों पर उनकी कीमतें कम करने के लिए सीमा शुल्क को भी कम किया है। साथ ही स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क को कम किया जाएगा, जिसका फायदा आम आदमी को सीधे तौर पर मिलने वाला है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ट्वीट में सीमेंट की कीमत कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक का सहारा लिए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए मानक अमल में लाए जा रहे हैं, इससे कीमतों में कमी आने की संभावना भी उन्होंने जताई है। अगर ऐसा होता है तो घर बनवाने और घर खरीदने वाले लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। सीमेंट के दाम में कमी आने से घर बनवाना सस्ता हो जाएगा।